हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी गलतियों की जो आप अपने फ़ोन को चार्ज करते टाइम पे करते हैं, जिसके कारण जो आपकी बैटरी होती है, जो आपकी बैटरी की लाइफ होती है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और जो आपको फ़ोन को डैमेज करने का कहीं ना कहीं एक खतरा बन जाता है। तो ऐसी कुछ 5-6 गलतियाँ मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह बताने वाला हूँ। अगर आप उन गलतियों को नहीं करते हैं तो आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो अच्छे से चार्ज होगी और जो आपकी बैटरी लाइफ है बैटरी की वो अच्छी रहेगी और आपके फ़ोन को भी कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात करूं सबसे पहली गलती की, तो सबसे पहली गलती आप लोग करते क्या हो, सबसे पहली गलती करते हो कि कोई भी चार्जर अपने डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर देते हो और उससे फ़ोन को चार्ज करने लग जाते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चार्जर आपके फ़ोन के साथ आता है उसमें एक चार्जिंग सर्किट होता है जो आपके फ़ोन को 100% चार्ज होने के बाद कट ऑफ कर देता है ऑटोमेटिक पावर को और आपका फ़ोन उसके बाद चार्ज नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स, आप जो चार्जर्स बाहर से खरीदते हो वो सस्ते तो होते हैं लेकिन उनके अंदर ये चार्जिंग सर्किट नहीं होते, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका फ़ोन चार्ज होता रहता है 100% होने के बाद भी। और उसका कारण ये है कि आपके जो बैटरी होती है वो हीट करने लग जाती है और वो हीट कहीं ना कहीं आपके फ़ोन के लिए एक डैमेज का कारण बन सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी पहली गलती जो आप लोग करते हो। तो मैं अगर बात करूं दूसरी गलती की, तो दूसरी गलती आप लोग करते क्या हो कि दूसरी गलती किसी भी क्विक चार्ज डिवाइस को आप खरीद लेते हो, जैसे पावर बैंक हो गया। अगर आप इनसे अपने फ़ोन को चार्ज करते हो तो इसमें होता क्या है कि इनकी जो सप्लाई होती है वोल्टेज की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण जो हमारी बैटरी की लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये एक लिमिट नहीं होती इसमें कोई। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स होते हैं उनके अंदर एक लिमिट होती है आउटपुट की, लेकिन पावर बैंक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो ओवर एक्सपेंशन करती हैं हमारे हाई वोल्टेज का और इसके कारण आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है, यहाँ तक कि आपके फ़ोन को भी वो डैमेज कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूं तीसरी गलती की, तीसरी गलती ये करते हैं कि अपने फ़ोन को वो ओवरनाइट चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं। आप लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके बाद करते क्या है कि अपने फ़ोन को एक बार चार्जिंग पर लगा दिया और वो सुबह तक चार्ज होता रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जब आप अपना स्मार्टफोन खरीदते हैं उसके साथ चार्जर जो आता है उसमें एक इनबिल्ट फीचर होता है कि आपके जो फ़ोन है वो 100% चार्ज होने के बाद वो अब पावर को कट ऑफ कर देता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है आपके चार्जर के साथ, तो अगर आप ऐसा करते हैं पूरी रात मोबाइल चार्ज करने के लिए छोड़ देते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। उससे होता क्या है कि आपकी जो बैटरी है वो ओवर चार्जिंग होने लग जाती है और उससे आपकी बैटरी डैमेज भी हो सकती है कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स, जो चौथी गलती है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे कि जो बैटरीज के लिए अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आते हैं आप उनको इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि अपनी जो बैटरी है उसकी जो परफॉर्मेंस उसको आप ट्रैक कर सकें। लेकिन फ्रेंड्स, इसका एक डिसएडवांटेज भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये करता क्या है, अगर आपके मैन्युफैक्चरर है जो मोबाइल का, जो मोबाइल उन्होंने रिकमेंड नहीं किया है कि आप किसी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में, तो आपको वो नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। उससे होता क्या है कि आपकी जो फ़ोन की बैटरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि वो जो ऐप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बैटरी यूज़ करते हैं आपके फ़ोन में से, आपके बैटरी में से। इससे आपकी जो बैटरी लाइफ है वो कम होती है। और होता क्या है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स भी शो करते हैं वो ऐप्स जो कि आपके फ़ोन के लिए कहीं ना कहीं ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐप्स के जरिए ही आपके फ़ोन में वायरस आता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं पांचवी गलती की, तो पांचवी गलती आप लोग करते क्या हो कि अपने फ़ोन को कॉन्स्टेंटली चार्ज करते रहते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं कि आप जैसे आप कोई फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको जब भी कोई खाली टाइम मिलता है जिसमें आपको कुछ काम करना होता है तो आप सोचते हो चलो मैं मोबाइल चार्जिंग पर लगा देता हूं, वो 100% हो जाएगा, चाहे आपका मोबाइल 70% हो या 80% हो फिर भी उसको आप लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है आपकी बैटरी के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अपनी बैटरी को फुल डिस्चार्ज करते हैं, वो भी एडवांटेज, वो भी डिसएडवांटेज हो जाता है आपकी बैटरी के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको फ़ोन को तभी चार्ज करना चाहिए जब आपके फ़ोन को रियली में नीड हो चार्जिंग की। जैसे आप अपने फ़ोन को अगर 20% से कम पे अगर चार्ज कर रहे हैं तो वो इट्स ओके, आप मैं समझ सकता हूँ कि वो सही है। लेकिन अगर फ्रेंड्स आप 70% आपका फ़ोन चार्ज है फिर भी आप उसको लगा रहे हैं चार्जिंग पे ताकि आपका फ़ोन 100% हो जाए, वो आपकी बैटरी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको फ़ोन अपना तभी चार्ज करना है जब उसको रियली में नीड हो चार्जिंग की। तो फ्रेंड्स, मैं छठी गलती की बात करता हूँ, तो छठी गलती आप लोग करते क्या है, जब भी आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो उसका जो बैक कवर होता है उसको आप उसको नहीं निकालते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा, आप जब भी फ़ोन चार्जिंग पर लगाएं तो उसको निकाल लें। उससे होता क्या है
कि जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो उसकी बैटरी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हीट होती है और वो हीट आपके जो कवर है उसके जरिए पास नहीं हो पाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, तो उससे होता क्या, आपके फ़ोन को डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है उसके। इसलिए आप जब भी फ़ोन चार्ज करें अपने जो फ़ोन का केस है या कवर है उसको निकाल दें। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ सातवीं गलती की, तो सातवीं गलती आप करते क्या हो कि आप जब भी अपना फ़ोन चार्ज करते हो तो उसको चार्जिंग के टाइम पे आप यूज़ करते हो कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि चार्जिंग के टाइम पे जो बैटरी होती है उसका ओवर हीटिंग कहीं ना कहीं होने लग जाती है जब भी आप उसको चार्जिंग के टाइम पे यूज़ करते हो, और ओवर हीटिंग के जरिए आपकी जो बैटरी लाइफ है, आपकी बैटरी की जो बैटरी लाइफ है वो कहीं ना कहीं कम होती है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ गलतियां जो आप लोग करते हो, तो अगर आप इन गलतियों को नहीं करेंगे तो आपकी जो बैटरी है वो अच्छे से चलेगी, अच्छे से चार्ज होगी और बैटरी लाइफ भी आपकी बैटरी की बहुत अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।